तो जैसे कि दोस्तों ना नया संबल कार्ड बनना शुरू हो गया है। यहाँ पर ना संबल कार्ड का नया पोर्टल यहाँ पर लॉन्च हुआ, जिस पोर्टल का नाम है संबल 2.0। तो जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आपका संबल कार्ड नहीं बना है तो आप ना किस प्रकार से संबल कार्ड आप बनाएंगे, यानी संबल कार्ड आप घर बैठे रजिस्ट्रेशन करेंगे और किस प्रकार से आपको पंजीयन करना है। तो आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको ना किस प्रकार से संबल कार्ड के लिए पंजीयन करना है, नया संबल कार्ड आपको बनाना है। तो कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने sambal.gov.in की वेबसाइट पर आ जाना, इस पोर्टल पर आ जाना। और दोस्तों वैसे भी मैंने इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूंगा, तो डायरेक्टली ना इस पोर्टल पर आ जाएंगे। जैसे आप इस पोर्टल पर आते तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं संबल 2.0। तो दोस्तों जैसे कि हमें यहाँ पर नया पंजीयन करना, अपना नया संबल कार्ड बनाना है, तो आपको करना क्या है, सिंपली जैसे ही आप यहाँ पर देख रहे पंजीयन हेतु आवेदन करें तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर देते तो आपका ना कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड होने वाला, तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो आपका ना कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर ना आपको समग्र आईडी डालना है और आपको ना यहाँ पर अपनी परिवार आईडी डालना है। यहाँ पर ना समग्र आईडी यानी आपको ना अपनी पर्सनल आईडी डालना है और यहाँ पर ना आपको परिवार आईडी यहाँ पर डालना है, जो भी आपकी समग्र परिवार आईडी है तो वो आपको यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर ना आपको अपनी समग्र यानी अपनी पर्सनल आईडी यहाँ पर डालना है, समग्र अपनी पर्सनल आईडी जो कि 9 अंकों की होती है। और यहाँ पर आपको अपनी परिवार आईडी डाल लेना है जो कि 8 अंकों की परिवार आईडी होती है। जैसे ही आप समग्र आईडी और अपनी परिवार आईडी डाल लेते हैं तो यहाँ पर आपको अपना कैप्चर जो स्क्रीन पर कैप्चर देख रहे हैं तो इस कैप्चर को फिल करके आपको यहाँ पर समग्र खोजने पर क्लिक कर देना। जैसे मैं यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर डाल ले रहा हूँ, समग्र आईडी और परिवार आईडी, तो आपको ना यहाँ पर जैसे कि देख रहे तो आपको अपने समग्र खोजने पर यहाँ पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप यहाँ पर खोजने पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ देर वेट करना पड़ेगा। तो आपके सामने ना इस प्रकार से खुल के आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे अंकित की गई समग्र आईडी में आपका eKYC उपलब्ध नहीं है, eKYC करने के लिए आगे प्रस्थान करें। तो सिंपली आपको करना क्या है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे ओके पर, तो आपको ना यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देते तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको समग्र के पोर्टल पर ले जाएगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या, यहाँ पर आपको आधार से रजिस्टर यानी आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना है, जो भी आपके आधार कार्ड से रजिस्टर हो, आधार कार्ड से लिंक हो मोबाइल नंबर, तो वही मोबाइल नंबर ना आपको यहाँ पर डालना है। यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर आपको पुनः वही नंबर डालना है जो भी आपका आधार कार्ड से रजिस्टर मोबाइल नंबर हो, तो सेम यहाँ पर भी डालना है और वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर भी डालना है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डाल के और जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे समग्र सदस्य समग्र परिवार आईडी मिल जाएगी, और आपको समग्र सदस्य आईडी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो आपको ना यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल के आपको सिंपली करना कि आपको यहाँ पर कैप्चर फिल यहाँ से कर लेना। जैसे आप यहाँ से कैप्चर फिल कर लेते तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे सदस्य की जानकारी देखें और दर्ज मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त करें, तो आपको ना सिंपली यहीं पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके आधार कार्ड से रजिस्टर यानी आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP आता, तो यहाँ पर जैसे कि देखें डू यू वांट टू अपडेट मोबाइल नंबर इन समग्र आईडी, तो अगर आप अपडेट करना चाहते तो यस करिए, नहीं तो आप यहाँ से नो कर दीजिए। तो मैं यहाँ से अपडेट नहीं करना चाहता तो मैं यहाँ से नो कर दूंगा यहाँ पर। और OTP सेंड रजिस्टर मोबाइल नंबर यानी आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP आया, तो आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP आता, तो वह OTP आपको यहाँ पर डालना। तो जैसे दोस्तों आपके आधार कार्ड से रजिस्टर लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाता तो आपको वह OTP यहाँ पर डालना। जैसे ही आप यहाँ पर OTP डाले थे तो यहाँ पर आपके माता पिता का यानी सबके फुल डिटेल्स आपके यहाँ पर आ जाएगी, समग्र आईडी से सारी डिटेल्स आ जाएंगी। तो सिंपली आपको यहाँ पर करना क्या है, जैसे कि यहाँ पर देख रहे तो आपको यहाँ पर कैप्चर फिल कर लेना और यहाँ पर देखने प्रमाण करें और आधार eKYC प्रारंभ करें। तो सिंपली आपको ना यहाँ पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो आपको ना कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड आ जाएगा, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रकार से खोल के आ जाता। तो करना क्या आपको यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं योर आधार नंबर, तो यहाँ पर आपको अपना ही आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आधार कार्ड नंबर डाल लिया और जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं आधार OTP का उपयोग करके आधार को सत्यापित करें। अगर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है तो आपको यहाँ से आधार OTP द्वारा ही आपको यहाँ पर करना है। अगर आपके पास फिंगर डिवाइस है तो आपको यहाँ पर दूसरा वाला सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से आप फिंगर द्वारा जो है आप अपना eKYC आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे में आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है तो मैं यहाँ पर OTP द्वारा ही करूँगा। तो यहाँ से ना आपको सिंपली यहाँ से आपको कैप्चर फिल कर लेना। जैसे आप यहाँ से कैप्चर फिल कर लेते तो आपको यहाँ पर देखें रिक्वेस्ट OTP फॉर्म आधार, तो आपको ना यहाँ पर क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से पेज खुल किया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे OTP सेंड टू मोबाइल नंबर, तो आपके आधार कार्ड से रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP आया होगा, तो वह OTP आपको ना यहाँ पर डालना। तो जैसे कि यहाँ पर देख रहे OTP रिसीव ऑन योर मोबाइल, तो आपके मोबाइल नंबर पर ही OTP आया होगा, तो आपको वही OTP यहाँ पर डालना है। तो दोस्तों आपको ने महत्वपूर्ण सूचना पढ़ लेना, और जैसे ही आपके मोबाइल नंबर पर OTP आ जाता है, मोबाइल OTP आप यहाँ पर डाल लेते हैं OTP, तो जैसे ही आप यहाँ पर OTP डाल लेते हैं तो आप यहाँ पर देखिए आवेदक के आधार नंबर के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त कर प्रविष्ट eKYC करें। तो सिंपली आपको ना यहाँ पर क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ना
आपके सामने इस प्रकार से पेज खोल के आ जाएगा। दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से डैशबोर्ड खोल के आ जाएगा, तो आप इन सारी महत्वपूर्ण सूचना आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि देख रहे योर आधार सीडेड सक्सेसफुल विथ योर समग्र आईडी नाउ अपडेट। तो यहाँ पर आपकी आईडी जो है ना अपडेट यहाँ से आधार कार्ड से हो जाएगी। तो सिंपली आपको करना क्या है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स आ जाएगी जो कि मैं हाइड करके रखा हुआ हूँ। तो यहाँ पर ताकि मेरी जानकारी किसी को फोन ना हो, तो यहाँ पर आपकी फोटो सब कुछ होगी, आपके नाम वाम सब कुछ यहाँ पर होगा। तो सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर आपका हिंदी से नाम आ जाएगा और आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर आ जाएगा। तो सिंपली आपको करना कि आपको ना यहाँ पर टिक करके जैसे देख रहे, तो यहाँ पर देख रहे हैं मैं अपना नाम जन्मतिथि एवं लिंग समग्र आधार के अनुसार परिवर्तित करना चाहता हूँ, तो मैंने अपने यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर सहमत कर देना, यहाँ पर आपको टिक कर देना और यहाँ पर आपको कैप्चर फिल करके जैसे कि आपको कैप्चर फिल कर लेना है। और यहाँ पर फिर आपको अपडेट योर नाम, आपको सिंपली यहाँ पर देख रहे हैं अपडेट योर नेम, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ देर वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपके मेरे कुछ इस प्रकार से खुल किया जाएगा, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं सक्सेस हो गया। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं प्रिय आवेदक आपकी EKYC की जानकारी प्राप्त हो गई है, परंतु संबल पंजीयन अपूर्ण है, कृपया अन्य जानकारी प्रविष्ट करें। जी हाँ दोस्तों, अब ना हमें संबल कार्ड यहाँ से पंजीयन करना होगा, यहाँ से ना संबल कार्ड की जो जानकारी हमें यहाँ पर भरनी होगी। तो फिर चलिए हमने यहाँ पर ओके पर आपको भी क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर ओके पर आप क्लिक कर देते तो यहाँ पर आपकी सारी डिटेल सारी जानकारी यहाँ पे आ जाएगी, माता पिता का नाम जो भी श्रमिक है, तो यहाँ पर आपकी फोटो आ जाएगी। तो आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर अन्य विवरण आपको भरना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं श्रमिक का प्रकार, तो आपको ना श्रमिक का प्रकार आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना, असंगठित श्रमिक या फिर तेंदुपत्ता संग्रहित, तो जो भी हो आप श्रमिक तो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना। अगर आप असंगठित श्रमिक हैं तो आपको सिंपली यहीं पर क्लिक करना, वैसे भी आप हो तो आपको इसी को सेलेक्ट करना असंगठित श्रमिक। और यहाँ से जैसे कि आप देख रहे हैं शिक्षा, तो आपको यहाँ पर शिक्षा सेलेक्ट कर लेना कि आपने प्राइमरी मिडिल या हाई स्कूल हाई सेकेंडरी जहाँ भी आपने शिक्षा ली हो, जहाँ तक आपने पढ़ाई की हो, तो आपको यहाँ पर सिंपली सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि मैंने हाई सेकेंडरी करे ला रहा हूँ यहाँ से। और सिंपली जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं नियोजन व्यवसाय चुनिए, तो आपका जो भी व्यवसाय है, तो जहाँ से भी व्यवसाय है, कृषि मछली पालन से कहीं से भी हो, तो आपको ना यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि मेरा कृषि नियोजन से है, तो मैंने इसे यहाँ पर सेलेक्ट करे ला रहा हूँ। यहाँ पर आपका जिस चीज़ से भी व्यवसाय है तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर ना बहुत सारे व्यवसाय हैं, तो यहाँ से ना आप जो भी आप काम करते हैं, जो भी आपका व्यवसाय है, जहाँ से भी हो, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए सिंपली, तो आप अच्छे से भी देख सकते हैं, आपको सेलेक्ट कर लेना। और यहाँ पर जैसे कि देख रहे इस वर्ष व्यवसाय नियोजन कार्य दिवस डालिए। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे इस वर्ष में व्यवसाय में नियोजित कार्य दिवस लिखिए, तो आपको यहाँ पर डाल देना जो भी हो आपका 50, 60, 70, तो यहाँ पर डाल जा रहा हूँ 70, तो आपको जो भी हो तो आपको अपने हिसाब से डाल देना। और यहाँ पर जैसे कि देख रहे क्या आप व्हाट्सएप पर सूचना प्राप्त करना चाहेंगे, हाँ अगर आप प्राप्त करना चाहते तो यस करिए, नहीं तो वैसे आप नो पर है ये, तो आपको यस पर कर देना। अगर आप इसकी सूचना प्राप्त करना चाहते तो आपको यस पर ही क्लिक करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं तो आपको ना यहाँ से अपना व्हाट्सएप नंबर डालना है, और यहाँ से क्या आयकर दाता है तो आप सेलेक्ट करिए, अगर नहीं है तो आपको नहीं पर ही सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आपको नहीं पर ही रहने देना। और जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर व्हाट्सएप मोबाइल नंबर तो डाल ही लेना। और यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं मेरे अथवा मेरी पत्नी के पास 1 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि है, अगर है तो हाँ करिए, नहीं है तो आपको यहाँ पर नहीं पर ही करना है। तो जैसे कि नहीं है तो सिंपली आपको नहीं पर ही करना है। और जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, आपको यहाँ पर थोड़े नीचे स्क्रॉल डाउन करना हो रहा है। यहाँ पर आपके परिवार की सारी डिटेल्स आ जाएगी, जितने भी आपके समग्र आईडी से जुड़े होंगे तो सबकी डिटेल्स आ जाएगी। सिंपली आपको चेक बॉक्स पर आपको यहाँ पर टिक कर देना, तीनों चेक बॉक्स को आपको यहाँ पर टिक कर देना, और आपको ना एक बार सारी डिटेल्स आपकी सारी जानकारी एक बार सही से देख लेना कि आपकी सब कुछ सही भरा या नहीं। तो हाँ मैंने वैसे भी पहले सब कुछ सही भरा हुआ है, तो सिंपली आपको एक बार और चेक कर लेना। और सिंपल जैसे आप चेक कर लेते तो आपको करना क्या है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं तो जैसे कि आप यहाँ पर आप देख रहे आवेदन संरक्षित करें, तो सिंपली आपको ना यहाँ पर क्लिक कर देना। जैसे यहाँ पर आप क्लिक कर देते हैं तो यहाँ से ना आपका जो पंजीयन है तो यहाँ से सफलतापूर्वक सक्सेस हो जाएगा, तो आपके सामने मैसेज भी आ जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत आपका आवेदन जमा कर लिया गया है, तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन पंजीयन नंबर यहाँ पर आपका आ जाएगा। दोस्तों अगर आपको कोई भी समस्या आती है पंजीयन करते समय तो आप प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और दोस्तों काफ़ी मेहनत लगती है यार ऐसी वीडियो बनाने में, तो यार प्लीज़ यार एक लाइक तो कर दिया करो, और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको आगे भी इसी से रिलेटेड ऐसी वीडियोज हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो आपको इसी प्रकार से किसी नेक्स्ट वीडियो